नमस्कार, और आप देख रहे हैं पल पल। सिरसा के एक निजी अस्पताल के बाहर जहां कोरोना सेंटर बनाया हुआ था, अस्पताल के बाहर महिला ने ऑक्सीजन के अभाव में दम तोड़ दिया। लगातार गिड़गिड़ाते रहे उनके रिश्तेदार, लेकिन किसी ने कोई सुनवाई नहीं की। अस्पताल के बाहर ये दिल दहला देने वाला मामला कोई नया नहीं है। हालांकि लगातार कोविड महामारी के दौरान प्रशासन बार बार दावे करता है कि अगर किसी को कोई समस्या होती है तो प्रशासन से ऑनलाइन नंबर पर या फिर आपातकालीन नंबर पर सीधा संपर्क करें। वैसे तो डॉक्टर को भगवान का दर्जा दिया गया है, मगर आज जो घटना हुई है, इस तरह की घटनाएं रोज होती हैं। अलग अलग शहरों से इस तरह की रोज वायरल वीडियो सामने आ रही हैं, लेकिन यहाँ समाज में डॉक्टर को दिए जाने वाले भगवान के दर्जे को चंद पैसे के लालच में शहर के संजीवनी अस्पताल ने ही झुठला दिया। ये वीडियो कोई झूठ नहीं, बल्कि सरेआम इसमें दिखाई भी दे रहा है, और ये वीडियो सुबह से वायरल हो रहा है। एक और जहाँ कोरोना महामारी की दूसरी लहर से आम जन जीवन अस्त व्यस्त है, वहीं निजी अस्पतालों ने इसे आपदा के अवसर में त्योहारी दिवस के रूप में मनाते हुए नजर आ रहे हैं और अपनी मनमानी की सारी हदें पार कर रहे हैं, जिसका खामियाजा उन मरीजों को इलाज के दौरान भुगतना पड़ता है, जिस कारण मरीज जान गंवा करके इसे भुगतता है। ये वाक्या सोमवार की सुबह का है, जब एक महिला मरीज अस्पताल में एडमिट होने के लिए आई। उसे ऑक्सीजन की सख्त ज़रूरत थी, लेकिन अस्पताल में उसे एडमिशन नहीं मिला। उसके परिजन लगातार गिड़गिड़ाते रहे। उनके परिजनों में एक ने कहा कि केवल इसे बाहर ही ऑक्सीजन दे दी जाए, अगर बेड की व्यवस्था नहीं है तो कम से कम इसकी जान तो बची रहेगी। ये कारण तो हम नहीं जानते कि बाहर वो क्यों तड़पती रही और क्यों उसकी जान चली गई, लेकिन कम से कम उसे एडमिशन लेकर अंदर तो बैठा सकते थे। अगर अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी थी तो कहीं और से व्यवस्था की जा सकती थी। जिस तरह से प्रशासन दावे कर रहा है, उसके हिसाब से प्रशासन से सहायता ली जा सकती थी। इस वीडियो में साफ नज़र आ रहा है कि रिश्तेदार स्टाफ के सामने गिड़गिड़ाते नज़र आ रहे हैं, लेकिन अस्पताल के स्टाफ का दिल नहीं पसीजा, और आखिरकार नतीजा ये रहा कि अस्पताल के बाहर ही महिला ने दम तोड़ दिया। वो लगातार व्हीलचेयर पर तड़पती रही। इतना सब कुछ होने के बाद भी अस्पताल के स्टाफ के चेहरे पर जरा सी भी शिकन नहीं थी। उसी दौरान सोशल मीडिया पर इस मामले से संबंधित एक वीडियो वायरल हो गया, जिसके बाद में अस्पताल के स्टाफ सदस्य हरकत में आ गए। अस्पताल के संचालक भी बाहर आए, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। पूरे मामले की जानकारी लेने पर पता चला कि कोटली निवासी अमर सिंह रविवार की रात्रि को वह परिवार की महिला को लेकर के संजीवनी अस्पताल आया था। महिला को सांस में दिक्कत आ रही थी। उसने बताया कि अस्पताल में स्टाफ को रात्रि में ऑक्सीजन देने की बात कही थी और सुबह कोई ना कोई इंतजाम करने को कहा, लेकिन स्टाफ सदस्यों ने उसे अस्पताल में दाखिल ही नहीं होने दिया। महिला लगातार बाहर तड़पती रही और उसने कुर्सी पर ही दम तोड़ दिया। इस पूरी घटना का वीडियो बना करके किसी ने वायरल कर दिया, और फिर स्टाफ की आंखें खुली और आनन फानन में मरीज को अंदर ले जाने के लिए आए। इसके साथ अस्पताल के संचालक अंजनी अग्रवाल भी सामने आए, लेकिन मरीज की डेथ हो जाने के बाद में ये औपचारिकता के लिए बाहर आए। परिजनों का कहना था कि अगर एक बार डॉक्टर मरीज को देख लेते तो शायद उसकी जान बचाई जा सकती थी। हालांकि इस प्रकार का ये पहला मामला नहीं है। कोविड-19 के दौरान इस अस्पताल की गतिविधियां भी काफ़ी संदेहप्रद रही है। बड़ी बात तो ये भी है कि इतना कुछ होने के बाद भी किसी प्रशासनिक अधिकारी ने अस्पताल प्रबंधन से किसी तरह की जवाबदेही नहीं की, और जवाबदेही करना भी मुनासिब नहीं समझा। इस पर डॉक्टर अंजनी अग्रवाल कहते हैं कि अन्य मरीजों के उपचार में व्यवस्था के कारण मरीज को नहीं देख पाए। उनकी पहली प्राथमिकता यही थी कि मरीज की किसी प्रकार से जान बचाई जाए। उन पर लगाए गए आरोप भी निराधार हैं। उनका कहना है कि जिले में सबसे ज़्यादा मरीजों की भर्ती के साथ साथ इलाज केवल संजीवनी अस्पताल ही कर रहा है, और शायद यही बड़ा कारण हो सकता है कि प्रशासन भी इस पर मौन है। पल पल सिरसा से विशेष रिपोर्ट। रघु जी।
ये लाइव वीडियो है संजीवनी हॉस्पिटल सिरसा की। पेशेंट को एडमिट नहीं किया, आधे घंटे से पेशेंट बाहर, डेथ होगी। सिरसा का ये हाल है, ठीक है ना। संजीवनी हॉस्पिटल सिरसा से पेशेंट बाहर तड़प के मर गया, किसी ने एडमिट नहीं किया। यहाँ पे पेशेंट का हाल देख लो, ठीक है। अभी आज सुबह ये सिरसा प्रशासन बोल रहा था किसी को समस्या हो बताना, तो इसके लिए कौन जिम्मेवार है, कोई बता सकता है यहाँ पे कौन जिम्मेवार है इसके लिए? आधे घंटे से बाहर तड़प रहा है पेशेंट, एडमिट नहीं किया किसी ने, और ये चेयर पे बैठा बैठा मर गया। लेडीज, सिर्फ डॉक्टर के कारण ये लेडीज मरी है। आधे घंटे से बातों में लगा के बाहर छोड़ दिया और वो बाहर ही तड़प के मर गई। ये संजीवनी हॉस्पिटल सिरसा है, ठीक है। पेशेंट के परिजन है ये। आप कहाँ से आए हो भाई, कहाँ से आए हो आप? सुचान से। हमने इसको रिपोर्ट लिया। मैं अमर सिंह हूँ जी, सुचान कोटली का। मैं सवेरे से इसे डॉक्टर के तले खा रहा हूँ। मैं कहा मेरी माँ ठीक है, 40% तो है। अच्छा अच्छा, थोड़ी सी ऑक्सीजन दे दे तू, बस जाके तू शाम तक तो दे इसको, ये सवेरे हम प्रबंध कर लेंगे आपका। शाम तक तो दिया तू उसको, दे लो। पेशेंट सुबह से बाहर तड़प तड़प के मर गया, डॉक्टर की कमी के कारण एडमिट ना करने पे बाहर मर गया ये भाई साहब, ठीक है। 12 बजे से बैठे हैं ये बाहर, और अब टाइम हो गया 6:05 रह गए, तड़प के मरा ये सिर्फ डॉक्टर की कमी के कारण आज, ठीक है। 10 मई को शाम का टाइम है, और अब ये फॉर्मेलिटी के लिए अंदर लेके जा रहे हैं। आप फॉर्मेलिटी के लिए, सिर्फ अपनी फॉर्मेलिटी के लिए अंदर लेके जा रहे हैं ये। हाँ ठीक ठीक, अभी ये फॉर्मेलिटी के लिए पेशेंट को लेके जा रहे हैं, अपनी फॉर्मेलिटी दिखाने के लिए। ये हाल हो रहा है यहाँ पे। अब जब डेथ होगी तो फॉर्मेलिटी के लिए सभी घुस हो रहा है, ये देख लिया आप।